इस कहानी की शुरुआत होती है गोकू फ्यूचर ट्रंक्स और एक नए सुपर हीरो के साथ, जिसने अभी अभी एक सुपर हीरो टीम ज्वाइन की हुई होती है। मगर इनके सामने वेजिटा खड़ा होता है जो कि एक वायरस से इन्फेक्टेड है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे अब क्या होता है। गोकू कहता है, वेजिटा ये तुम्हें क्या हो गया है? फ्यूचर ट्रंक्स कहता है, फादर इसे अपने आप पर हावी मत होने देना, इसे बाहर करो। मगर वेजिटा इनकी बातों में कोई ध्यान नहीं देता है। फ्यूचर ट्रंक्स बड़े ही सीरियस होकर कहता है, ओ नो ऐसा लग रहा है कि ये हमें नहीं सुन पा रहे हैं। अब वो वायरस वेजिटा पर और भी तेजी से हावी होने लगता है, जिससे वेजिटा को दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है। तभी गोकू कहता है, लगता है कि अब बातों से बात नहीं बनने वाली है, क्या तुम दोनों रेडी हो? अब दोनों सुपर हीरो रेडी हो जाते हैं और फिर तभी वायरस वेजिटा और नए सुपर हीरो के बीच में काफी भयंकर फाइट होने लगती है। दोनों ही एक दूसरे पर खतरनाक वार करते हैं और दोनों के बीच ताबड़तोड़ लड़ाई होती है। तभी वायरस वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश मार देता है, मगर न्यू सुपर हीरो वेजिटा के फाइनल फ्लैश को झेल लेता है और अपने खतरनाक 1080 बॉम्ब फीनिक्स से वायरस वेजिटा को हरा देता है। गोकू और उसकी टीम कहती है, हमने कर दिखाया। मगर तभी ट्रंक्स कहता है, उधर देखो। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा की बॉडी से एक क्यूब निकल जाता है, जिसे देखकर गोकू की टीम को भी हैरानी होती है क्योंकि उस क्यूब का ऑरा काफी तेज होता है। तभी फ्यूचर ट्रंक्स कहता है, न्यू मेंबर जल्दी से नेविगेटर को कहो कि वो क्यूब को अपने पास रखे। तभी न्यू सुपर हीरो एक रोबोट को ऑर्डर देता है और वो रोबोट कहता है, वो रोबोट उस क्यूब को अपने पास संभाल के रख लेता है। अब वेजिटा को होश आता है और वो कहता है, मैं कहाँ हूँ? क्या करो ट्रंक्स, यहाँ क्या हो रहा है? तभी ट्रंक्स कहता है, फादर आप ठीक हो गए, थैंक गॉड। अब कुछ देर बाद ट्रंक्स अपने बॉस को कहता है, डायरेक्टर क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? यहाँ पर सब ठीक हो गया है और फादर दोबारा नॉर्मल हो चुके हैं। तभी वेजिटा ट्रंक्स से कहता है, ए ट्रंक्स क्या तुम मुझे कुछ बताओगे कि यहाँ क्या हो रहा है? तभी उस रोबोट के अंदर से डायरेक्टर की आवाज आती है, मुझे बताने की इजाजत दो, दरअसल तुम उस अम्ब्रस क्यूब के कंट्रोल में थे। हमें यकीन है कि इस क्यूब की पावर के इस्तेमाल से एविल का खात्मा किया जा सकता है। अगर इसका होस्ट यानी कि क्यूब को चलाने वाला चाहे तो, एग्जाम्पल के लिए अगर विशाल जैसे न्यू सुपर हीरो को ये क्यूब दिया जाए जो कि एक प्योर हार्टेड पर्सन है, तो उसकी मदद से हमें नई अलॉय मिलेगी, यानी कि एक नया सुपर हीरो मिल सकता है। नहीं तो हमें इसके बदले हमें एक नया एनिमी भी मिल सकता है, क्योंकि इस क्यूब का यूज दूसरे वे यानी कि बुराई के लिए भी यूज किया जा सकता है। और तुम्हारे केस में जो तुम्हारे अंदर क्यूब था वो पहले से ही किसी ऐसे शख्स से इन्फेक्टेड था जो तुमसे ज्यादा पावरफुल हो। उसे उसकी पावर ने तुम्हारे अंदर की इच्छाओं को अपने कंट्रोल में कर लिया और हम ऐसे इन्फेक्टेड लोगों को वेनम्स कहते हैं, जिन्हें हम ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वेजिटा को गुस्सा आता है और वो कहता है, ये किसने किया मेरे साथ? सुनो तुम सभी, मैं इस जंप फोर्स बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता हूँ और ये सब जिसने भी किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो जहाँ भी छुपा होगा
उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। कुछ देर बाद हमें एक लेडी और उसका एक साथी देखने को मिलता है। वो लेडी हंसते हुए कहती है, तो ये हो ही गया। कुछ मदद से प्रिंस वजीटा का प्लैनेट बच गया, मगर हम इन्हें जीतने नहीं देंगे, इन्हें हम जल्द से जल्द बाहर कर देंगे। तभी हमें पहाड़ के नीचे से पिकोलो दिखाई देता है और वो कहता है, हाँ ये क्या, ये लेडी कौन थी? अब सीन जाता है डायरेक्टर पर और वो कहता है, वेल डन टीम, आप सभी के एफर्ट से प्लैनेट नैमिक अब सेफ है, आप सभी का शुक्रिया, और वजीटा को बचाना भी हमारी एक महान सफलता है, और अब हम ये भी जानते हैं कि अम्ब्रस क्यूब को कैसे यूज कर सकते हैं, दूसरे के कंट्रोल से उस क्यूब को हासिल करना है, और हम ये भी जानते हैं कि अभी हमें इस क्यूब की पावर्स के बारे में और भी कुछ सीखना है, और अभी तो हमारी ट्रू बैटल की बस शुरुआत ही हुई है, हमें अपने वर्ल्ड को रिस्टोर करना है और अपने लोगों को भी बचाना है, साथ ही हमें बस वेनम्स को हराने में ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें उन अम्ब्रस क्यूब्स को कलेक्ट भी करना है, तो देरी किस बात की, जाओ और काम पर लग जाओ। और फिर स्टोरी जाती है ऐसे विलन पर जिसके हाथ में एक डार्क मैजिकल बुक होती है, और उस बुक में सभी सुपर हीरोज के वर्ल्ड होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जंप फोर्स के ऑफिस में हमारे सुपर हीरोज की पूरी मंडली तैयार है अपने नए मिशन को पाने के लिए, और तभी वहां पर डायरेक्टर और ट्रंक्स आते हैं, और ट्रंक्स डायरेक्टर से कह रहा होता है कि विशाल सच में हमारी टीम का एक पार्ट बन चुका है। तभी डायरेक्टर पूरी टीम से कहता है, तो मेरी जंप फोर्स की पावरफुल एलाई, मैं आप सभी को अपने अगले मिशन की ओर ले जाना चाहता हूँ, और हमारा अगला मिशन है हमारे हर एक टीममेट्स को बचाना जो अम्ब्रस क्यूब के कंट्रोल में है। मैं अब आपको आप सभी की लोकेशन दिखा देता हूँ जहाँ आपको जाना है, और आप सभी को फेल नहीं होना है, मुझे आप सभी पर विश्वास है कि आप अपना बेस्ट दोगे इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। डायरेक्टर विशाल की तरफ देखता है और कहता है, मुझे तुमसे काफी उम्मीद है विशाल। कुछ देर बाद विशाल और ट्रंक्स बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक सायरन बजता है, और फ्यूचर ट्रंक्स कहता है, ये तो वेनम्स के लिए अलर्ट सायरन लगता है, शहर में फिर से वेनम्स आ गए हैं, चलो विशाल इन वेनम्स का सफाया करते हैं। तो गाइस स्टोरी कैसी लग रही है आपको? मैंने सोचा कि संडे को आपको नया तड़का दिया जाए, और आपको अगर इसमें मजा आता है तो बस कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो तुरंत लेकर आ जाऊंगा, मगर लाइक भी होने चाहिए, और आपको बता दूं कि इंटरनेट अभी तक सरकार ने नहीं चलाया, तो सपोर्ट करते रहना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।